नमस्कार, मैं टुनटुन राम और आप देख रहे हैं न्यूज बेरोजगार। तो देखिए, और आज हमारे साथ हैं झुनझुन राम जी। नमस्कार, क्या वीडियो बन रही है? हमको न्यूज का चैनल का नाम ऊंचा नहीं बढ़वाना है। खड़े रहिए सर। तो अब खबर को आगे बढ़ाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अब आपको ले चलते हैं सीधे लाइव प्रसारण की ओर। वहां मौजूद हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर फटीचर दोगल जी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही होनहार मेहनती। जो बहुत ही संस्कारी, अब बहुत ही लगन से हमारे साथ। अब कॉल लगाते हैं और जानते हैं कि लाइव प्रसारण में क्या हो रहा है। हेलो, हाँ फटीचर दोगल जी। लिए हो तो दिन भर हेलो हेलो हेलो, क्या तमाशा है? लगता है रॉन्ग नंबर लग गया है। साले खाना नहीं है, देखिए सुनिए, साला घास पे फरे थे तुम लोग। अरे सुनिए तो सही। हेलो ना, एकदम कान में तेल दे के सूत जाओ, ना तो खोज के डेंगा के भुट्टा छोड़ा देंगे। रुकिए, हम लगाते हैं। आप कौन? अरे हम बोल रहे हैं। कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? नहीं जानते। आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर नहीं मेरे हम जैसे, जैसा फोन लगाया आपने। माफ कीजिएगा, लगता है सरकारी कर्मचारी की तरह हमारा भी सिस्टम में कोई फॉल्ट हो गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं साला रिपोर्टर कहाँ चला गया है, क्या कर रहा है, कोई खबर नहीं है। जो जीतेगा उसे मिलेगा बिल्ली, जो हारेगा वो गाएगा गाना। आल तू जलाल तू आशिक देगा, कपड़े के बहुत तेज हो रहे हो, पूर्णा ताल सिंगर बनने के लिए आ जाते हैं। हट, मैं सस्ता जेम सफी नहीं लग रहा। रिपोर्टर साहब, वहाँ कोई नदी में डूब रहा है। बैठ क्या क्या? हेलो हेलो, हाँ फटीचर दोगल जी। हाँ सर, अभी गर्मा गर्म खबर मिली है। इतना देर से कहाँ थे आप? वो सर पेट में हेडेक था। क्या पेट में हेडेक? ये कौन सी नई बीमारी है? तो आपको ले चलते हैं सीधे घटना स्थल पर। अरे अरे एक मिनट सुनिए तो सही। तो बने रहिए हमारे साथ। और हम यहाँ घटना स्थल पर पहुँच गए हैं, और मैं चाहता हूँ टीआरपी के लिए कैमरामैन सीधे डूबता हुआ व्यक्ति को दिखाएं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, सरकार तो गिरती हुई नहीं चैनल को बचा लेते हैं, क्या यह डूबता हुआ व्यक्ति को सरकार बचा पाएगी या नहीं? हम तो नहीं ना बचाने जाएंगे जी, हमको उसकी जान से नहीं उससे मतलब है। तो आइए, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे बातें करते हैं। क्या कर रहे हैं जी आप? सूझ नहीं आया, तला तला वीडियो बनाने एचडी में। क्या तू नहीं रहा है? बोल रहा है क्या? सूझ नहीं रहा है, खड़ा खड़ा वीडियो बना रहे हैं एचडी में। ओ अच्छा, तो इस वीडियो का आप क्या करेंगे जी? सेल करेंगे, व्यूज मिलेगा, वायरल होगा। क्या बोल रहा है? क्या शेयर करेंगे, व्यूज मिलेगा, वायरल होगा। अच्छा, तो किसी को व्यू चाहिए तो किसी को टीआरपी। अब आपको ले चलते हैं उस व्यक्ति के पास और कुछ पूछते हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। तो आज हम नीच यानी कि ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे कुछ पूछते हैं। बताइएगा, आप सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? फुलटू मातो। फुलटू मातो, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है डूबता हुआ देख के? मजा आ रहा है, हम डूब थोड़ी रहे, हम तो मछली मार रहे हैं। अरे गोया साला, कैमरा बंद कर साला, ससुरी ये बात बोलनी नहीं थी साला, पूरा टीआरपी खराब करके रख दिया यार। रुकिए एक मिनट। हाँ फुलटू जी बोलिए,
भले टीवी पे न्यूज नहीं चल सकता लेकिन हम तो सुन तो सकते हैं, सब इसका कमाल है। हाँ पुलटू जी बोलिए। हमार बड़ा बड़ा डिगरिया घर में दिमाग खा रहा है, हम लेबरिया छोड़ के SSC का तैयारी किए कि भविष्य में कुछ हो, लेकिन क्या करें अभी लेबरिया भी करने जाते हैं तो भगा देता है। तो ऐसा क्यों फुलटू जी? लेबरिया का प्रैक्टिस नहीं ना है। ओ अच्छा, आगे? अभी बीड़ी मैच में सट्टा हार के आए हैं और मछली पकड़ रहे हैं, अगर सब चाय पकौड़ा ही तलेगा तो खाएगा कौन? तो हाँ, चाय वाला पकौड़ा खाएगा और पकौड़े वाला चाय ना पिएगा जी। अरे रुकिए तो जरा, पूरी खबर तो देखे जाइए। मेरा ऐसा बीड़ी कहाँ है जी? अबे बीड़ी खत्म हो गया। खत्म हो गया है? सरकार नौकरी खत्म कर दिया जी, आप लोग बीड़ी खत्म कर दिए, ये देश में चल क्या रहा? आप लोग सब गैदरिंग कर रहे हैं और कोरोना इतना तेजी से देश में फैल रहा है। हमसे बदतमीजी, रिपोर्टर से बदतमीजी, डाउन टू अर्थ रिपोर्टिंग होने के बाद भी बीड़ी मैच में बीड़ी खत्म होने पे रिपोर्टर को मिला धक्का। बीड़ी दो, बीड़ी दो। ध्यान से देखिए इन लोगों को। अब मुद्दे को मत भटकाइए, आप कोरोना के बात कर रहे हैं। वो चुनाव रैलियों में नहीं आते, सिर्फ हमारे पर्व त्योहारों में आते हैं। जिस देश में शिक्षक छिपकर पढ़ा रहे और नेताएं खुलेआम रैली कर रहे हैं, इससे बड़ा दुख की बात और इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग के लिए क्या हो सकती है? फ्यूचर हमारा ब्राइट है, आज हमारा देश बंद है, टैक्स चालू है, व्यापार बंद है, ब्याज चालू है, शहर बंद है, किराया चालू है, स्कूल बंद है, फीस चालू है। जो सह रहा है उसी को पता होता है वो कितना दुख में है, दुनिया तो बस मजे लेने में रहती है। अब खबर को आगे बढ़ाते हैं। अरे वाह, लग रहा है बाबा जी आत्मनिर्भर होने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। ओम फेसबुक व्हाट्सएप बर्बादाय नमः स्वाहा, ओम नौकरी खत्माय नमः स्वाहा। बाबा जी आप तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। बच्चा हमारा नाम बकलंद वहांदे बाबा। बाबा जी आप जो इतना मंथन कर रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं वायरस जो इतना खतरनाक रूप ले चुका है, क्या ये कभी खत्म होगा या नहीं? जी हाँ बच्चा, इलेक्शन आएगा और कोरोना जाएगा, एग्जाम आएगा फिर से कोरोना आएगा। लगता है बाबा जी काफी रिसर्च किए हैं, तो बाबा जी क्या बता सकते हैं वायरस से बचने के लिए कोई उपाय? उपाय है बच्चा, दो ही उपाय है इसमें। एक तो आप इलेक्शन रैली जो होता है उसमें शामिल हो जाए, या तो दूसरा मर जाए। क्या? यही उपाय। मर जाए? मार 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 मार। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कोरोना 2.0 महामारी खतरनाक रूप ले चुकी है, तो आप तुरंत ही किसी नज़दीकी चुनाव रैलियों में शामिल होकर अपना बचाव करें। जब पेट भरा हो और पैकेट में नोटों का बंडल पड़ा हो तो कहना बहुत आसान है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। हो सके तो भाड़ में जाएं, लेकिन भीड़ भाड़ में ना जाएं। आजकल के नेताओं की एक ही जानकार, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा, तो बने